तब्दीली सरकार के सौ रोज, पुलिस इस्लाहात हुई ना सियासी मुदाखलत का खात्मा, यू टर्न पे यू टर्न, एक माह में दो आईजी तब्दील, अस्पतालों की हालत जार बदली ना बिजली सस्ती हुई, महंगाई भी बेकाबू, नौजवानों को नौकरियां मिलने का इंतजार, 50 लाख घर कैसे बनेंगे, हुकूमत तफसीलात बताने से गुरेजा। नई हुकूमत पुराने मसाइल, बुजुर्ग पेंशनर्स रुल गए, ओआईबी के अमले ने पेंशनर्स को टरखाना शुरू कर दिया, पेंशन के हसूल के लिए जाने वाले साबिक मुलाजमीन को महकमाना तस्दीक का अमल मुकम्मल ना होने का उजर पेश किया जाने लगा, इल्तवा के शिकार केसेस क्लियर करने की हदायत की है रीजनल डायरेक्टर। पैसों की अदम अदायगी, अस्पतालों का फजला तल्ब करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एलडब्ल्यूएमसी से 2017 में मुआहदा किया मगर 48 करोड़ अदा न किए, 3 माह कब्ल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो 40 करोड़ जारी कर दिए, मंसूबे की तकमील के लिए 3 माह का अरसा दरकार होगा, एलडब्ल्यूएमसी ने साफ साफ बता दिया। 24 घंटे की डेडलाइन, हाई कोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया इन एक्शन, मॉल रोड, हॉल रोड, चालम मार्केट और दाता दरबार के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, डिप्टी कमिश्नर का दाता दरबार और अतराफ में तजावुजात का जायजा, कच्ची और पुख्ता तजावुजात में मिसमार, बाहर सामान रखने पर 3 दुकानें सील कर दी गईं। लाहौर को साफ शफाफ करना मिशन है, बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, 6000 कैनाल से जायद अराजी वागुजार करा ली, रेड़ी बहनों को लाइसेंस देंगे, उनके लिए जगह और पॉलिसी भी बनाई जाएगी, 5 पनागाहों की तमीर जल्द मुकम्मल करेंगे, हर पनागाह में सेहत, एलडब्ल्यूएमसी और सिक्योरिटी के हवाले से कमेटी कायम, सोशल वेलफेयर कमेटी शेल्टर्स होम की निगरानी करेगी, डिप्टी कमिश्नर सालह सईद जाको लाहौर की बनी मेहमान, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इंतजामी मसाइल और उनके हल पर सैर हासिल गुफ्तगु। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑरेंज ट्रेन के ठेकेदारों को अदायगियां ना हुईं, अदालत ने 10 रोज में ठेकेदारों को अदायगियां करने का हुक्म दिया था, इंतजामिया और ठेकेदारों के दरमियान अदायगियों पर डेडलॉक बरकरार। फंड्स की अदम फराहमी, एंटी करप्शन की फाइल सर्दखाने की नजर, महकमा एंटी करप्शन के अपर माल पर कायम दफ्तर को तब्दील करने का मामला भी लटक गया, दफ्तर को तब्दील करने के हवाले से मुतअद्दिद बार समरी हुकूमत को इरसाल की गई। शहबाज शरीफ की पेशी पर एहतजाज कम होने पर हमजा शहबाज बरहम, ज्यादा से ज्यादा कारकुनान को एहतजाज में शरीक होने की हदायत, पेशी पर ना आने वाले कारकुनान की लिस्टें बनाकर कार्रवाई की जाएगी, हमजा शहबाज की परवेज मलिक को हदायत। थाना लेटन रोड की हदूद में शौहर की फायरिंग से साबिक बीवी और बेटे के कत्ल का मामला, वाकये का मुकदमा उबर टैक्सी ड्राइवर की मुदायत में दर्ज, कत्ल की दफा शामिल, कच्चा फिरोजपुर रोड पर टैक्सी ड्राइवर उस्मान ने राबिया और बेटे इर्तजा को गाड़ी से उतारा और दोनों के सरों में गोलियां मारकर खुद को भी गोली मार ली, FIR का मतन। नून लीग के बाद PTI भी सरगरम, तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स की भी सुनी गई, पुराने वर्कर्स बतौर कोऑर्डिनेटर काम करेंगे, लाहौर समेत 36 अजला के PTI वर्कर्स नई जिम्मेदारियां निभाएंगे, नए कोऑर्डिनेटर्स तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर की देखभाल करेंगे। मुअत्तल अस्तादसा की मौजें, पंजाब यूनिवर्सिटी के फारिग अस्तादसा को दोबारा नौकरी मिल गई, अस्तादसा को हेले कॉलेज में तमाम मुराद के साथ बतौर विजिटिंग टीचर्स भर्ती किया जाने लगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अस्तादसा की बतौर विजिटिंग भर्ती नई बात नहीं, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हसन मुबीन। SME सेक्टर में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम पैदा होता है, बेरोजगारी खत्म करने में मदद मिलेगी, हुकूमत नई मुआशी पॉलिसियां बनाएगी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब, अलहमरा में महकमा सनअत व तिजारत और स्मेडा के इश्तराक से तकरीब, ताजिर बरादरी की शिरकत।
हाई कोर्ट ने दो बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए, बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार। अहाता अदालत में चीखो पकार। सेशन कोर्ट ने 12 साल लड़के को खाला से लेकर बाप के हवाले कर दिया, बच्चे की आहो बका, साथ जाने से इनकार, खाला भी गमनाक। और कौमी विमेन हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा रोज, खवातीन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाक आर्मी, पंजाब वाइट, वाबदा पाकिस्तान रेलवे की टीमों ने जीत अपने नाम की।